मैं समझती जहां गठबंधन मजबूत हो रहा है और जहां समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भी अच्छे सीट निकालने की आज स्टेज में है, तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि मतलब कि कैलकुलेशन के तहत आज ये जो डेट्स हैं ये बदली गई हैं। वहीं कुंभ में जो मुस्लिम लोग ठेले या दुकान लगाते थे अब उनको लगाने से मना किया जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि मुस्लिम लोग कुंभ में जो दुकानें लगाते थे मुस्लिम लोग ना लगा। मैं समझती हूँ यह जो लोग हैं जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस तरह की मानसिकता है, जिस तरह से समाज को बांटना चाहते हैं, तो मैं समझती जो गंगा जमुनी तहजीब है हमारे देश की, कहीं ना कहीं ये लोग इस सेकुलर फैब्रिक को कहीं ना कहीं तहस नहस करना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग चाहते नहीं हैं कि क्योंकि अगर समाज में कोई भी एक वर्ग अगर पिछड़ा रह जाता है तो कहीं ना कहीं पूरे देश का इसमें नुकसान होता है। और आज तक इस तरह की बातें कभी नहीं गई है कही गई है, तो कहीं ना कहीं ये संविधान के विरुद्ध बातें आज ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि देश संविधान से चले, ये अपने मन से अपनी मनमानी से देश को चलाना चाहते हैं। मैडम, क्या माना जाए तारीखों का जो चेंज किया गया है, क्या भाजपा बिल्कुल घबराई हुई है इस तरीके से चुनाव हारती हुई नजर आ रही है, इसलिए तारीख चेंज कर दी गई चुनाव? कोई ना कोई रणनीति के तहत ही चुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया है। और जहाँ हम जान रहे थे कि उत्तर प्रदेश में पहले हो जाएंगे विधानसभा चुनाव और फिर उत्तर प्रदेश के नेतागण महाराष्ट्र में जाके चुनाव प्रचार करते, तो मैं समझती हूँ इसमें कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रखते हुए चुनाव का जो ये दिन जो तारीखें बदली गई हैं इसमें इसका हाथ हो सकता है। चुनाव की तारीखें चेंज हो गई तो मैं समझती जहाँ गठबंधन मजबूत हो रहा है और जहाँ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में भी अच्छे सीट निकालने की आज स्टेज में है, तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ कि मतलब कि कैलकुलेशन के तहत आज ये जो डेट्स हैं ये बदली गई हैं। वहीं कुंभ में जो मुस्लिम लोग ठेले या दुकान लगाते थे अब उनको लगाने से मना किया जा रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि मुस्लिम लोग कुंभ में जो दुकानें लगाते थे मुस्लिम लोग ना लगा। मैं समझती हूँ यह जो लोग हैं जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस तरह की मानसिकता है, जिस तरह से समाज को बांटना चाहते हैं, तो मैं समझती जो गंगा जमुनी तहजीब है हमारे देश की, कहीं ना कहीं ये लोग इस सेकुलर फैब्रिक को कहीं ना कहीं तहस नहस करना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग चाहते नहीं हैं कि क्योंकि अगर समाज में कोई भी एक वर्ग अगर पिछड़ा रह जाता है तो कहीं ना कहीं पूरे देश का इसमें नुकसान होता है। और आज तक इस तरह की बातें कभी नहीं गई है कही गई है, तो कहीं ना कहीं ये संविधान के विरुद्ध बातें आज ये लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि देश संविधान से चले, ये अपने मन से अपनी मनमानी से देश को चलाना चाहते हैं। मैडम, क्या माना जाए तारीखों का जो चेंज किया गया है, क्या भाजपा बिल्कुल घबराई हुई है इस तरीके से चुनाव हारती हुई नजर आ रही है, इसलिए तारीख चेंज कर दी गई चुनाव? कोई ना कोई रणनीति के तहत ही चुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया है। और जहाँ हम जान रहे थे कि उत्तर प्रदेश में पहले हो जाएंगे विधानसभा चुनाव और फिर उत्तर प्रदेश के नेतागण महाराष्ट्र में जाके चुनाव प्रचार करते, तो मैं समझती हूँ इसमें कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रखते हुए चुनाव का जो ये दिन जो तारीखें बदली गई हैं इसमें इसका हाथ हो सकता है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।